हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को एल्विडा डोज की दवाई खिलाई गई, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने दवाई खाई। बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जैसे अपने आसपास सफाई रखें, साफ पानी से फल व सब्जियां धोएं, खाने को ढक कर रखें, हमेशा साफ पानी पिएं आदि बातें बताई गई। और जिन बच्चों को ये दवाई आज नहीं खिलाई गई है, उनको ये दवाई 24 फरवरी को खिलाई जाएगी। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के MD विकास दीक्षित ने बताया कि आज कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को एल्विडा डोज की दवाई खिलाई गई। उन्होंने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर साल स्कूल में ये दवाई बच्चों को खिलाई जाती है। रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से एक दवाई खिलाई जाती है सभी बच्चों को। ये 2 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाई जाती है। एल्बेंडाजोल नाम की एक मेडिसिन है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से हमें दी जाती है हर साल। तो हर साल 19 फरवरी को हम इसको करते हैं, जैसा कि डायरेक्शंस हमें मिलती हैं। इस साल भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर सभी बच्चों को राइट फ्रॉम प्ले वे सेक्शन, 2.5 साल से ऊपर के बच्चों को और अप टू 10th क्लास तक के बच्चों को ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में ये दवाई खिलाई गई। वहीं सत्य साई विद्या वाहिनी आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को दवाई खिलाई गई, जिसमें 770 बच्चों ने ये दवाई खाई। दवाई स्कूल के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने स्वयं बच्चों को खिलाई। संजय शर्मा ने बताया कि अधिकतर बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चे उल्टी दस्त आदि बीमारियों की शिकार रहते हैं। ये सभी बीमारियां कुपोषण की कमी के कारण होती हैं। उन्होंने बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाने के साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के बारे में भी बताया। वार्मिंग डे के उपलक्ष में श्री सत्य साई विद्या वाहिनी आदर्श भारतीय पब्लिक स्कूल जसूर में डिवॉर्मिंग डे जो है बड़े उत्साह के साथ जो मनाया गया। बच्चों को जो है वो एल्बेंडाजोल की जो है वो टैबलेट्स जो है वो दी गई, और बच्चों को जो हमने टैबलेट्स दी है वो टैबलेट्स जो है वो हमने अपने सामने बच्चों को खिलाया, ताकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है टैबलेट्स को मुंह में रख के बाद में फेंक देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करने दिया। हर बच्चे को मेडिसिन टैबलेट दी है और उस टैबलेट को बच्चे ने जो है वो मुंह में रखा है, और हमने अपने सामने देखा है कि उस बच्चे ने उस टैबलेट को चुबा के खाया है। और इससे जो है वो हमें समस्या रहती है स्कूलों में, मैक्सिमम समस्या ये रहती है कि बच्चे को जो है उल्टी और दस्त की समस्या रहती है, और ये सब बीमारियां जो है वो कुपोषण के कारण होती हैं। तो ये एक सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें सब बच्चों को आज पूरे देश में जो है वो डिवॉर्मिंग डे जो मनाया जा रहा है, और सभी पूरे देश में स्कूलों के बच्चों में ये एल्बेंडाजोल की जो दवाई जो है, मेडिसिन जो है वो खिलाई जा रही है।